सब्सक्राइब करें टेकी हैच के चैनल को और प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन बेल आइकॉन लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेकी हैच के। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि आप अपने किसी भी एमआई फ़ोन में लाइव वॉलपेपर सेट करने का तरीका, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं और इसे सेट करना बहुत ही आसान है। और इसमें आपको अलग अलग तरीके के लाइव वॉलपेपर्स मिलेंगे। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, अलग अलग तरीके के वॉलपेपर्स हैं और बहुत ही अच्छे भी लग रहे हैं। आप इस वॉलपेपर को रेडमी एमआई की किसी भी फ़ोन में सेट कर सकते हैं। तो फिर आइए इसे देखते हैं कि इसे सेट कैसे करते हैं। तो इसके लिए आपको जाना है अपने फ़ोन के सेटिंग पे। तो यहाँ पर हम फ़ोन के सेटिंग्स पे जाएंगे और नीचे की तरफ स्वाइप करते जाएंगे। यहाँ पर आपको वॉलपेपर मिलेगा, इस पर क्लिक कर दे। और फिर यहाँ पर आपको नीचे की साइड में 5 ऑप्शन मिलेंगी, तो हम वॉलपेपर पे रख दिए हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे वॉलपेपर्स मिलेंगे, जो कुछ लाइव हैं और कुछ लाइव नहीं हैं। तो यहाँ पर हम इस तरह से स्वाइप करेंगे और जो भी लाइव है और अच्छे लग रहे हैं उसको हम सेट करेंगे। तो अब हम यहाँ पे ये फिश वाले वॉलपेपर को क्लिक करेंगे, जो कि बहुत ही अच्छा भी लग रहा है। और यहाँ पर से आपको डाउनलोड वॉलपेपर पे जाना है और फिर यहाँ पर से एग्री कर दे। यहाँ पर आपका लाइव वॉलपेपर डाउनलोड होगा। वॉलपेपर डाउनलोड होने के बाद यहाँ पर से आप अप्लाई कर दे। तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, सेट एज लॉक स्क्रीन, सेट एज होम स्क्रीन और ये सेट एज पोर्ट। अगर आप होम स्क्रीन पर रखना चाहते हैं तो इस तरह से हो जाएगा। अगर आप इसके अलावा लॉक स्क्रीन पर भी रखना चाहते हैं तो आपको सेट बोथ पे क्लिक करना है। तो ये दोनों तरफ सेट हो जाएगा। तो गाइस, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप टेकी हैच के चैनल पर न्यू हैं तो उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।